हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम अपने थर्ड एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। ठीक है, तो अभी तक हम पीएमएमसी देख चुके हैं, मूविंग आयरन देख चुके हैं, यह हमारा थर्ड इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये उसका कंस्ट्रक्शन है, पर इस कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने देखा था कि पीएमएमसी में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि वो एसी के लिए वर्क नहीं कर रहा था। क्यों एसी के लिए वर्क नहीं कर रहा था? इसलिए एसी के लिए वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि जब भी हम उसको एसी सप्लाई देते थे पीएमएमसी को, तो आपका जो मूविंग कॉइल था, जो मूविंग कॉइल था अल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर, उसके अंदर का करंट तो चेंज हो जाता था। ठीक है, हर साइकिल में उसका करंट रिवर्स हो जाता था, पर हम वहां पे परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे थे, तो परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी तो से फिक्स्ड रहती थी। और एसी सप्लाई देने से आपका करंट जब मूविंग कॉइल में चेंज होता था तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो भी चेंज होता था, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होने के कारण आपका पॉइंटर जो था वो जीरो पोजिशन पे वाइब्रेट करने लगता था। क्यों? क्योंकि आपका 50 साइकल्स पर सेकेंड या फिर 50 हर्ट्ज का अगर आप एसी सप्लाई देते हो, तो आपका पॉइंटर पॉसिबल नहीं है कि वो एक साइकिल में 50 बार ऐसे जीरो से फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल से फिर जीरो वैल्यू तक आपका रिवॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसलिए वो जीरो पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा था हाई फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर करंट अंदर का चेंज हो रहा है, करंट रिवर्स हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है उसमें, और उसके कारण फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो था उसमें वो यूनिडायरेक्शनल नहीं था बल्कि बाइडायरेक्शनल था। तो ठीक है, इसके कारण आपका पॉइंटर जीरो पोजीशन पे वाइब्रेट करता था। तो यहां पे हमने देखा कि मूविंग कॉइल की जो करंट थी वो रिवर्स हो रही थी एसी सप्लाई में, पर परमानेंट मैग्नेट की जो फील्ड थी वो फिक्स थी, इसलिए हमें यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देखने को नहीं मिल रहा था। अब उस प्रॉब्लम को हम हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अभी भी हम मूविंग कॉइल यूज कर सकते हैं, पर परमानेंट मैग्नेट की जगह अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए, तो जिसमें आपके करंट एसी सप्लाई देने पर आपका करंट रिवर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एसी सप्लाई देने पर करंट रिवर्स होगा, तो उस केस में जैसे जैसे मूविंग कॉइल का करंट उल्टा होगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट चेंज होगा, और उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी, जैसे कि आपका जो करंट अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा और उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड डेवलप करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट रिवर्स होगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होगा। तो इस प्रोसीजर के दौरान आपका ओवरऑल जो फोर्स डेवलप होगा कॉइल में, मूविंग कॉइल में, वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा। मतलब कि क्या? आपका टॉर्क यूनिडायरेक्शनल रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका मूविंग कॉइल आराम से रोटेट कर पाएगा, इवेंचुअली आपका एसी में वर्क करने लग जाएगा। ये चीज हमने मूविंग आयरन के केस में देखा था, पर मूविंग आयरन में क्या हुआ था कि उसमें हम ओवल शेप्ड का एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते थे। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर लेते थे, और जो कि हाई फ्रिक्वेंसी में हम निकल आयरन का एक अलॉय से सॉफ्ट आयरन को बनाते थे। और यहां पे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर और पीएमएमसी में हम मूविंग कॉइल ले रहे हैं, पर जो मूविंग आयरन में हो रहा था कि एसी सप्लाई में कैसे वर्क कर रहा था, वैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर आपका एसी में वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि वहां पे भी मूविंग आयरन में भी आपका पोलैरिटी रिवर्स हो जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ओवरऑल आपका अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, या तो ओवरऑल आपका रिपल्शन नहीं हो रहा था। वैसे ही यहां पे भी मूविंग कॉइल के केस में भी, आपका मूविंग कॉइल में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर दें डायनामोमीटर में, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हम मूविंग कॉइल लेंगे पीएमएमसी टाइप का, पर परमानेंट मैग्नेट की जगह हम यहां पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे, जिसमें करंट की सप्लाई चेंज होने पर वो आपका पोलैरिटी चेंज करेगा फील्ड का, तो इवेंचुअली आपका फोर्स हमेशा फिक्स्ड रहेगा कॉइल पे, राइट। तो इस तरीके से वो एसी पे वर्क करने लग जाएगा, राइट। तो देखो अब यहां पे क्या हुआ कि पीएमएमसी का फंक्शनिंग जैसा था वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का होगा, और ये एसी के लिए वर्क करने लग जाएगा क्योंकि हम यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। पर क्योंकि पीएमएमसी में आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे थे, यहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हो, तो हो इसमें क्या होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगा कि नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होता है तो उस केस में क्या होता है कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड या तो फिर क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट में पड़ने लग जाता है, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका खुद का इंस्ट्रूमेंट का कम है,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका पीएमएमसी में जरूरत नहीं पड़ता था, राइट। एक और चीज होता है अस्टेटिक अरेंजमेंट, जिसको हम बाद में सीखेंगे, पर यह चीज हमको समझ में आ गया कि यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो फंक्शनिंग है, इस इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का फंक्शनिंग जो है वो करीब करीब डीसी मोटर की तरह है, राइट। तो अब देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को और हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का कंस्ट्रक्शन है, देखो ये आपका स्केल हो गया, स्केल जो कि आपका नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म आप बोल सकते हो, नॉन लीनियर और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये स्केल क्यों होगा हम आगे देखेंगे कि जो आपका थीटा था वो आपका कैसे वेरी कर रहा है, उसी हिसाब से ये जो स्केल है वो नॉन लिनियर स्केल है। पॉइंटर क्या होगा, अल्यूमिनियम का पॉइंटर होगा। क्यों अल्यूमिनियम का पॉइंटर यूज करते हैं हम, क्योंकि लाइट वेट होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव होता है, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग है किसका बना होता है भाई, स्प्रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ये चीज हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं, पर कभी भी हम इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं तो ये चीज को रिकॉल करने की हैबिट डालनी चाहिए हमें, ठीक है। तो स्प्रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज का बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में भी आपका कंट्रोल कौन सा यूज हो रहा है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है, राइट। तो पीएमएमसी, मूविंग आयरन और ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, तीनों में हमारा क्या हुआ, कंट्रोल कौन प्रोवाइड किया, स्प्रिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। ये चीज हो गया, और ये क्या था, ये आपका पिवट था, ये आपका पिवट था, ठीक है। ये आपका ज्यूवेल बेयरिंग है, ज्यूवेल बेयरिंग किस लिए यूज किया जाता है, ज्यूवेल बेयरिंग आपका सफायर का बना होता है, और वो किस लिए यूज किया जाता है, आपके इंस्ट्रूमेंट को वियर एंड टियर या फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये यूज किया जाता है, करेक्ट, ठीक है। और यहां पे हम ये इस स्प्रिंग को हमने कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज किया था, यहां पे हम सप्लाई भी देते हैं कई बार, ठीक है, ये सप्लाई। और ये क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही क्यों, क्योंकि आपका यहां पे कोई कोर नहीं यूज हो रहा है, पहली बात तो कोर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पे सिर्फ मूविंग कॉइल्स है। दूसरा चीज ये कि इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो एडी करंट आपका एडी करंट डैम्पिंग यहां पर यूज नहीं किया जा सकता, भले ही वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, पर यहां पे एडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पे कोर नहीं है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपको पता है कि आपका जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है उसको मेंटेनेंस के लिए, और वो कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट भी बढ़ जाता है और आपका मेंटेनेंस भी बहुत उसमें देखना पड़ता है, इसलिए हम जनरली एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, राइट, प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इवन दो फ्लूइड फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से इफेक्टिव ज्यादा है, राइट। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहां पर यूज किया गया है, जिसका आपको वर्किंग पूरा अच्छे से पता है, राइट। यहां पे सप्लाई दिया गया है। अब देखो ये क्या है, ये हमारा मूविंग कॉइल है, ठीक है, मूविंग कॉइल, इसको हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में करंट कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मूविंग कॉइल या फिर करंट कॉइल, सॉरी ये होगा आपका प्रेशर कॉइल, ठीक है, मूविंग कॉइल या फिर आपका प्रेशर कॉइल, राइट। और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपका मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट की यूज करने के बजाय हमने क्या यूज किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है, जो कि किससे, कॉइल से आपके प्रोवाइड किए गए हैं। तो दो कॉइल को हमने ब्रेक किया, एक कॉइल इधर, एक कॉइल इधर, तो ये हमारे फिक्स्ड कॉइल्स हैं, फिक्स्ड कॉइल्स, फिक्स्ड कॉइल्स हैं, और ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे यूनिफॉर्म फ्लक्स प्रोड्यूस करने के, राइट, और ये सप्लाई के सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, और ये करंट कॉइल भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है, करंट कॉइल भी बोलते हैं, करंट कॉइल, ठीक है। तो ये आपका मूविंग कॉइल हो गया या प्रेशर कॉइल हो गया, क्यों प्रेशर कॉइल बोलते हैं हम देखेंगे आगे, ये आपका फिक्स्ड कॉइल हो गया या करंट कॉइल हो गया, ठीक है, ये आपका दो फिक्स्ड कॉइल्स को हमने ब्रेक करके
अलग अलग कर दिया है और इसके कारण बीच में आपका एक यूनिफॉर्म फ्लक्स हमको देखने को मिलेगा इसके कारण, ठीक है। यह आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया गया है ये दो करंट कैरिंग कॉइल्स के कारण, राइट। और उसके बीच में आपका मूविंग कॉइल आपका रोटेट करेगा, राइट। ये हो गया स्प्रिंग्स, हो गया ये, हो गया। अब देखो, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखा होगा कि दो कॉइल करंट कैरिंग कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी एस्टैब्लिश होता है। तो इन दो कॉइल्स के बीच में यहां पे हम लिखते हैं एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा, राइट। यहां यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा, ठीक है। तो यहां इन दोनों कॉइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ रहा है आपका, ये स्प्रिंग हो गया, ये आपका स्पिंडल हो गया, ठीक है। स्पिंडल रोटेट करेगा, राइट। और देखो देखो मूविंग कॉइल जो प्रेशर कॉइल है ये आपका सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टेड, इसको मैं लिखता हूं कनेक्टेड, कनेक्टेड बिटवीन बिटवीन टू फिक्स्ड कॉइल्स कॉइल्स एंड अक्रॉस द सप्लाई, अक्रॉस द सप्लाई, ठीक है। यहां से भी हम सप्लाई देंगे तो इसके अक्रॉस कनेक्टेड है ये प्रेशर कॉइल या मूविंग कॉइल, ठीक है। और इसका जो फ्लक्स डेवलप करेगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा ना कॉइल में, तो कॉइल में करंट फ्लो होगा तो आपका फ्लक्स डेवलप होगा। वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा? वो आपका वोल्टेज के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आपके सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो जो भी करंट होगा वो डिपेंडेंट होगा वोल्टेज पे, और इवेंचुअली यहां पे आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंडेंट है वोल्टेज के ऊपर, राइट। यहां पे हमने दो कॉइल को ब्रेक करके बीच बीच में रख दिया है, बीच में मूविंग कॉइल रख दिया, दो कॉइल को रख दिया यहां पे, जो जिसमें करंट फ्लो हो रहे हैं और उसमें करंट फ्लो हो रहे हैं और आपका ये जो है फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है यूनिफॉर्म, राइट। और देखो प्रेशर कॉइल है, इसमें एक और चीज लिख सकता हूं मैं, इट इज थिक अक्रॉस द सप्लाई, इट इज थिन। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो रेसिस्टेंस है वो रो एल बाय ए है, ठीक है। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं बढ़ाता कम करता हूं तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा और इवेंचुअली करंट आप में इसमें कम फ्लो होगा, इसलिए इसको हम थिन रखते हैं, इस कॉइल को थिन रखते हैं, राइट। और आपका ये जो फिक्स्ड कॉइल है, अगर मैं फिक्स्ड कॉइल्स के बारे में बात करूं तो फिक्स्ड कॉइल में आप लिख सकते हो फिक्स्ड या करंट कॉइल, फिक्स्ड या करंट कॉइल कैरीज, इसको मैं ऊपर लिख दूं क्या, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको मैं इधर लिखता हूं, यहां पे फिक्स्ड या करंट कॉइल जो है आपका कैरीज मोर करंट, आपका ज्यादा करंट कैरी करता है, मोर करंट, सो इट इज थिक, ठीक है। थिक क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बढ़ाए, रेसिस्टेंस आपका कम हुआ और रेसिस्टेंस कम होने से ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा इस फिक्स्ड कॉइल्स या करंट कैरिंग करंट कॉइल्स में, और करंट ज्यादा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका अच्छे से डेवलप होगा, राइट। तो फिक्स्ड कॉइल करंट कॉइल फिक्स्ड या करंट कॉइल कैरीज मोर करंट, सो इट इज थिक एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स स्लैश फील्ड, ठीक है। तो देखो आपका प्रेशर कॉइल अक्रॉस द सप्लाई कनेक्ट हुआ और ये कनेक्ट होगा, इट इज कनेक्टेड इन
इन सीरीज विद द सप्लाई, इन सीरीज विद द सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई के सीरीज में कनेक्टेड होगा आपका क्या, ये फिक्स्ड कॉइल्स। तो देखो सप्लाई के सीरीज में करंट होने से क्या होगा, करंट सेम फ्लो होगा पूरा ओवरऑल, पूरा यहां पे देखो ये ऐसे करके गया करंट, यहां से आपका सेम करंट फ्लो हुआ और रिटर्न कर गया लोड से होते हुए, ठीक है। तो सेम करंट फ्लो होगा, यूनिफॉर्म फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपका पैरेलल में कनेक्ट हुआ, ये सीरीज में कनेक्ट हुआ। अब ये हो रहा है कि आपका जो प्रेशर कॉइल के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, करंट प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो हुआ उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो आपका वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपका वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो करंट कॉइल है ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है सप्लाई के साथ, तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आपका करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल इसका फ्लक्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट, इसका फ्लक्स करंट के ऊपर डिपेंडेंट। तो दोनों का ओवरऑल फ्लक्स अगर मैं देखूं तो ओवरऑल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड आपका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा ना वो आपका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो होता है वो इसी कारण बेस्ट सूटेबल होता है आपका पावर को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो यहां पर मैं लिखता हूं टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आई, दिस इंप्लाइज पावर, ये चीज, ठीक है। प्रेशर कॉइल का फ्लक्स वोल्टेज के ऊपर, करंट कॉइल का फ्लक्स करंट के ऊपर, और ओवरऑल फ्लक्स प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट के ऊपर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इवेंचुअली पावर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को यूज कर पाते हैं आपका पावर के मेजरमेंट के। तो ये आपको कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया जिसमें मैंने बात किया प्रेशर कॉइल के बारे में, मूविंग प्रेशर कॉइल जो कि मूविंग कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल जो कि करंट कॉइल है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया कि ये आपका थिन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लो करंट फ्लो होता है, उसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस को हम कम करते हैं, जिसके लिए हम उसको थिक रखते हैं, राइट। और वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है, राइट। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हो गया। अगर मैं इसमें बात करूं टॉर्क डिटेल्स के ऊपर, टॉर्क के ऊपर, तो उससे पहले देखो क्या क्या पॉइंट अभी तक हमको थोड़ा समझ में आ गया ताकि हम उसको याद रखते हुए चले। लास्ट में फीचर्स में मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दूंगा, पर अभी तक हम क्या क्या देख लिए, इसका स्केल होगा नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जा रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जा रहा है, स्प्रिंग कंट्रोल है मतलब कि क्या, टेम्परेचर इफेक्ट होगा इसके ऊपर, राइट, टेम्परेचर इफेक्ट होगा। और यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी कोर यूज नहीं किया जा रहा है, कोर यूज नहीं किया जा रहा है, तो यहां पे हिस्टेरेसिस एरर आपका एब्सेंट होगा, क्योंकि कोर ही नहीं है, तो हिस्टेरेसिस एरर आपका कहां से आएगा, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक है, तो शील्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि हमको स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है इसको, राइट। ये सब पॉइंट हमने देखा। और एक और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि ये आपका मूविंग आयरन की तरह ही आपका ये एसी एज वेल एज डीसी दोनों पे वर्क करता है, राइट। मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर दोनों एसी एज वेल एज डीसी दोनों में वर्क करते हैं, पर पीएमएमसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किस में वर्क करता है, डीसी में वर्क करता है। और पीएमएमसी में सिर्फ और सिर्फ एडी करंट डैम्पिंग देते हैं हम, बाकी मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक बार टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करता हूं। आपको याद होगा मूविंग आयरन का टॉर्क इक्वेशन क्या था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का TD was equal to 1/2 I² dl/dθ, right? तो अब इसका देखते हैं कि टॉर्क इक्वेशन कितना आता है। तो यहां पे मैं टॉर्क इक्वेशन इसका डिराइव करता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स समझ में आ गया होगा। देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम जो पढ़ रहे हैं, पीएमएमसी हो चाहे मूविंग आयरन हो, हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे गए, किसी का भी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखते हैं और फिर उसका वर्किंग समझते हैं। वर्किंग जैसे आपका रिलक्टेंस मोटर पे वर्क किया था पिछला जो मूविंग आयरन था, अभी ये आपका डीसी मोटर के ऊपर वर्क कर रहा है, राइट। और वर्किंग समझते हैं, कंस्ट्रक्शन समझते हैं, फिर हम उसके टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करते हैं और फिर एट लास्ट उसके फीचर्स को समझकर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यही प्रोसीजर हम इसमें भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं, मैं टॉर्क इक्वेशन यहां पर क्या होगा, टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, राइट। तो देखो
आपको मैंने अभी दिखाया फिगर में ही कि फिक्स्ड कॉइल जो कि आपका करंट कॉइल है या फिर मूविंग कॉइल जो कि आपका प्रेशर कॉइल है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा। ये आप चीज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छे से समझ चुके होंगे कि करंट कैरिंग कॉइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर मैं टॉर्क इक्वेशन डिराइव करना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ, एक तरीके से मैं डिराइव करता हूं विद द हेल्प ऑफ मूविंग आयरन इक्वेशन, मूविंग आयरन टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। तो मूविंग आयरन का टॉर्क इक्वेशन आपको याद होगा TD इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर DL बाय डी थीटा, राइट। और अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ये इंडक्टर है, इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप रिकॉल करोगे तो L इक्विवेलेंट कितना होता है, आपका L इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2, ठीक है, दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस प्लस 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये होता है। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके इक्वल होता है ये आपका K इंटू अंडर रूट L1 प्लस L2, इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है, राइट। ये चीज आप देख चुके होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास L इक्विवेलेंट आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। तो अब मैं अगर देख रहा हूं इस L इक्विवेलेंट को, इस L इक्विवेलेंट को अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूं तो क्या आएगा भाई, देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका हो जाएगा TD इज इक्वल टू 1/2 I² इसको D बाय D थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का कांस्टेंट रहेगा, बस म्यूचुअल इंडक्टेंस वेरी करेगा। तो क्या होगा, DL1 बाय D थीटा जीरो हो जाएगा, DL2 बाय D थीटा भी जीरो हो जाएगा, और क्या बचेगा, DM बाय D थीटा बचेगा। मतलब कि क्या, यहां पे सिर्फ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज ओनली वेरिंग। तो यहां पे ये दोनों चीज बस म्यूचुअल इंडक्टेंस वेरी करेगा। तो उस केस में TD क्या होगा आपका, 1/2 I² 2DM बाय D थीटा, ये हो गया कैंसिल आउट। तो इवेंचुअली मेरे पास क्या आ गया, TD इज इक्वल टू I² DM बाय D थीटा, ठीक है। तो ये चीज आ रहा है मेरे पास I² DM बाय D थीटा। अब ये I² क्या है, ये हमको क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है, ये इक्वेशन ये क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है कि I² है क्या। तो इसको एक और तरीके से डिराइव करते हैं इस टॉर्क इक्वेशन को। चलो अगर मैं देखूं एनर्जी स्टोर्ड, यहां पर लिखता हूं दूसरे तरीके से डिराइव करने के लिए एनर्जी, ठीक है, ये एक और पार्ट था, ये एक तरीके से हमने टॉर्क इक्वेशन डिराइव किया, दूसरे तरीके से मैं टॉर्क इक्वेशन डिराइव करना चाह रहा हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 L1 I1 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 L2 I2 स्क्वायर प्लस 1/2, ये क्या होता है आपका I1 I2 M, ये होता है I1 I2 M, राइट। ये आपका ओवरऑल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स होगा, ठीक है। और आपका मैकेनिकल वर्क डन किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल वर्क डन जो हम मूविंग आयरन के केस में भी देखे थे, मैकेनिकल वर्क डन वॉज इक्वल टू TD इंटू D थीटा, राइट। तो अगर मैं देख रहा हूं ये जो मैकेनिकल वर्क डन होगा, मैकेनिकल वर्क डन जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, राइट। तो इसको अगर मैं इक्वेट करूं यहां पे, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करूंगा और फिर इक्वेट करूंगा जब मैं, तो क्या आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको W मान लेता हूं, तो आपका मैकेनिकल वर्क डन इक्वल टू W हो जाएगा। तो TD इज इक्वल टू TD D थीटा इज इक्वल टू D, ये आपका W हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको मिलेगा TD इज इक्वल टू D ओमेगा बाय D थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो अगेन ये एनर्जी कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और आपको वेरी करेगा सिर्फ ये, तो ये आपका आएगा I1 I2 DM बाय D थीटा, राइट। तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहां से आएगा I1 I2 DM बाय D थीटा, राइट। और ये I1 I2 एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में आपका है करंट इन फिक्स्ड कॉइल इनटू करंट इन मूविंग कॉइल का प्रोडक्ट, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम
का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपका एंगल थीटा जो कि क्या है डिफ्लेक्शन है राइट। तो यहां पे हमको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिख रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखा मुझे, ये आपका प्रोडक्ट हो गया करंट इन फिक्स्ड कॉइल इनटू करंट इन मूविंग कॉइल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम अपॉन म्यूचुअल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, म्यूचुअल इंडक्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन। तो ये आपका टॉर्क इक्वेशन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर राइट। तो यहां पे अक्सर लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि मूविंग आयरन पढ़ने के बाद ना हाफ आई स्क्वायर डीएम डी थीटा होगा कि क्या बोलते हैं हाफ के में कंफ्यूज रहते हैं कि यहां पे हाफ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए आप हमेशा केयरफुल रहें कि इलेक्ट्रोडायनामो डायनामो के कारण एम हो रहा है यहां पे राइट। आप ऐसे कुछ याद कर सकते हैं और यहां पे हाफ नहीं आएगा, यहां पे आपका हाफ नहीं आएगा, मूविंग आयरन के केस में आपका हाफ आता है राइट। ठीक है, तो हाफ आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा होता है वो, और ये होता है हाफ, ये होता है आपका करंट इन फिक्स्ड कॉइल इनटू करंट इन मूविंग कॉइल इनटू डीएम बाय डी थीटा राइट। तो ये हमारा टॉर्क इक्वेशन आ गया है यहां पे। अब देखो अगर मैं इसको देख रहा हूं हमेशा की तरह हम क्या करते हैं इसके बाद हम देखते हैं स्केल के ऊपर कमेंट करते हैं ठीक है, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया गया है तो वो किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग कंट्रोल टीसी इज इक्वल टू केसी थीटा राइट। ये चीज तो हमको पहले से पता है, तो बाकी का पिक्चर पूरा क्लियर है आपका कि टीसी इज इक्वल टू केसी थीटा। दिस इंप्लाइज एट स्टेडी स्टेट की बात कर सकता हूं मैं, एट स्टेडी स्टेट TC is equal to TD. This implies आपका क्या हो गया KC theta is equal to IFC IMC DM by D theta. तो deflection जो आपका आएगा वो क्या हो गया IFC IMC by KC DM by D theta. Right? और आप यहां पे देख सकते हो कि आपका जो theta आ रहा है वो क्या प्रोडक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि क्या यहां पे आपका आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब कि क्या कि यहां पे आपका स्केल जो है थीटा का वो क्या आने वाला है, नॉन लीनियर आने वाला है यहीं पे राइट। तो इसीलिए हमको हम क्या देखें कि इसका स्केल जो है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर स्केल राइट। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मूविंग आयरन में जो हुआ था नॉन लीनियर स्केल था, वो चीज यहां पे भी देखने को मिल रही है, बस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में हमको यूनिफॉर्म स्केल देखने को मिला था राइट। तो ये चीज हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, टॉर्क इक्वेशन आ गया, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आ गया, वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए। अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एक बार एज अ एमीटर यूज करके देखते हैं, एज अ वोल्ट मीटर यूज करके देखते हैं, एज अ वॉट मीटर यूज करते हैं, जो कि जनरली हम यूज करेंगे एज अ वॉट मीटर राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरे जो अभी इस वीडियो में सीख रहे हैं हम उसको एक बार पूरे बोर्ड में लिखूंगा फीचर्स को, और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखता हूं अब इसको एज अ वॉट मीटर, एज अ वोल्ट मीटर और एज अ एमीटर की तरह, ठीक है। तो आपको टॉर्क इक्वेशन दोनों का समझ में आ गया, ये टॉर्क इक्वेशन आ गया आपके सामने, दोनों तरीके से मैंने डिराइव करके दिखा दिया, मूविंग आयरन के फॉर्मूला से भी देख लिया, और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पे नहीं आया था मूविंग आयरन में, पर यहां पे आपका टॉर्क इक्वेशन में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आया पिक्चर में, तो हमने उसको कंसिडर कर लिया। तो देखते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर डायनामोमीटर एज एमीटर, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज एन एमीटर यूज करेंगे तो होगा क्या कि आप ना अपने फिक्स्ड कॉइल्स को, फिक्स्ड कॉइल्स मतलब ये क्या, जो दो करंट कॉइल्स हैं उनको और आपका जो प्रेशर कॉइल है, क्या है वो मूविंग कॉइल है, उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे लोड के साथ। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करने से ये होगा कि उनमें करंट जो फ्लो होगा वो सेम होगा। तो सेम होने से क्या होगा, जब हमने देखा था टॉर्क इक्वेशन में भी क्या हुआ था, आई एफ सी इंटू आई एम सी हुआ था और डीएम बाई डी थीटा हुआ था, तो आपका टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे करंट, तो टी डी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो कभी भी हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज एन एमीटर यूज करते हैं, एज एन एमीटर यूज करते हैं तो आपका टी डी दोनों में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है राइट। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पर फिक्स्ड कॉइल्स, फिक्स्ड स्लैश प्रेशर कॉइल
एंड सॉरी ये जो करंट है ना एंड मूविंग स्लैश आपका प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एमीटर की तरह यूज करेंगे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो उससे होगा क्या, इसका मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं आपको। ये आपका क्या हो गया, सप्लाई हो गया इधर से, ये आपका सप्लाई बना दिया मैंने, सप्लाई वोल्टेज आपका। ये करंट कॉइल ले लेता हूं यहां पे, एक करंट कॉइल, ठीक है। दो करंट कॉइल होते हैं ना, ब्रेक किया जाता है, तो यहां पे आपके करंट कॉइल आ गए, फिर लोड, राइट, लोड हो गया, और फिर आपका प्रेशर कॉइल और उसका कुछ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आरएस, और ये आपका हो गया प्रेशर कॉइल, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा सर्किट डायग्राम हो गया एज एन एमीटर जब यूज कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो करंट कॉइल है आई सी सी, और यहां पे आपका क्या हो रहा है आई पी सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, पूरा एक ही करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, आई सी सी इज इक्वल टू आई पी सी इज इक्वल टू आई लिख देता हूं यहां पर, और क्या बोल सकता हूं मैं कि आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई। तो टॉर्क इक्वेशन क्या हो गया भाई, टी डी इज इक्वल टू आई एफ सी, या फिर आई एफ सी इज इक्वल टू आई एम सी लिख सकता हूं। मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल का करंट सेम हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है, तो टी डी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा, ठीक है। टी डी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा। तो अब क्या होगा कि आपका टी सी के सी थीटा के इक्वल है, तो टी सी इज इक्वल टू टी डी करूंगा, तो इवेंचुअली क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन के सी डी एम बाई डी थीटा। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इंप्लाइज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो यहां से अब आपका नॉन लीनियर स्केल के थ्रू हम करंट को मेजर कर पाएंगे इवेंचुअली, मतलब कि ये हो गया कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इज वर्किंग एज एमीटर इन दिस केस, राइट, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या है, किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे इस तरीके से हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज एन एमीटर यूज करेंगे, करेक्ट। अब मैं अगर देखूं कि इसको एज अ वोल्ट मीटर कैसे यूज करते हैं, डायनामोमीटर एज एन वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एज अ वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है, तो यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि फिक्स्ड या जो आपका करंट कॉइल है, मैं दोनों चीजें इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, हमेशा आप रिलेट करते समय कर पाए कि मूविंग कॉइल आपका प्रेशर कॉइल होता है, फिक्स्ड कॉइल आपका करंट कॉइल होता है, प्रेशर कॉइल आर कनेक्टेड कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सप्लाई। तो सप्लाई के पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं इसको, और किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो इसको देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये आपका सप्लाई हो गया, ठीक है, वीएस, और ये आपका लोड हो गया, ठीक है। और यहां पे हम करंट कॉइल को लेते हैं, पहले एक करंट कॉइल, दूसरा करंट कॉइल, फिर आपका आ गया यहां पे इतना, फिर प्रेशर कॉइल, उसका रेसिस्टेंस, और ये आपका ऐसे। तो इतना पोर्शन आपका करंट कॉइल हो गया, करंट कॉइल, ये आपका प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये ओवरऑल करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों सीरीज में है, और वो अक्रॉस सप्लाई के या लोड के अक्रॉस या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो उसे होगा क्या, उसे ये होगा कि अभी भी करंट दोनों में सेम जा रहा है, पर वो किसके इक्वल है भाई, वो इक्वल है आपका, देखो यहां पे आपका है टी डी, आपका यहां पर लिखता हूं आई वन
इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू वी वी बाय जेड, ठीक है, या तो फिर वी बाय आर भी लिख सकता हूँ, या वी बाय जेड, जो भी इम्पिडेंस होगा, जो भी इंडक्टेंस, मतलब वी बाय जेड ही लिख देता हूँ मैं, क्या पता एसी के लिए यूज करें तो हम बाद में इंडक्टेंस भी देखें, तो वी बाय जेड के इक्वल हो गया वी एस बाय सप्लाई के, हुआ सप्लाई के बाद जितना भी इंपिडेंस होगा इस ब्रांच का उतना ही करंट फ्लो होगा यहाँ पे आई दोनों में, करेक्ट, तो वी बाय जेड और यहाँ पे इसके ये इसके इक्वल आ गया, तो दिस इंप्लाइज अगर ये आई वन करंट सेम है और वी बाय जेड के इक्वल आ रहा है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसके इक्वल हो गया आई वन और इंटू आई एफ सी इंटू आई एम सी था वो किसके इक्वल हो गया वी बाय जेड इंटू वी बाय जेड दैट इज वी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, आपका वी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर डीएम बाय डी थीटा, ये तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगेन आप इसको केसी थीटा के इक्वल करोगे तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो अब इस केस में क्या हो गया कि आपका डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर में, मतलब कि क्या आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर यूज हो रहा है एज अ वोल्ट मीटर इस केस में, राइट, तो यहां पे करंट पे करंट जब हम एमीटर की तरह यूज करते हैं तो आपका करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल सीरीज में होता है, इसमें करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल सीरीज में तो होता है पर ओवरऑल आपका लोड या सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो इवेंचुअली डिफ्लेक्शन यहां पे आपका वोल्टेज के ऊपर स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यहां पे आपका करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब अगर मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को जो उसका मेन वर्किंग है एज अ वॉट मीटर वो कैसे यूज होता है, वो तो उसका मैं डायग्राम बनाता हूं फिर से, ठीक है, तो उसके दो तरीके से हम उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका मतलब सर्किट डायग्राम देखेंगे, जो कि हम देखो अभी के लिए बस मैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करूंगा, मतलब आपको बस बना के दिखा दूंगा कि ऐसा यूज करते हैं फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल को, पर उसका जो मेन वर्किंग होगा उसमें क्या क्या एरर्स आएंगे और कब किसको यूज करना है ये चीज हम बाद में देखेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का, तो हमको बेसिक चीजें पहले डिस्कस करनी है, ठीक है, तो यहां पर मैं देखता हूं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ वॉट मीटर, एज अ वॉट मीटर बात कर रहा हूं, तो वॉट मीटर यूज करने से क्या होगा कि आपका सर्किट जो है कुछ इस तरीके से बन सकता है, ये आपका करंट कॉइल, ठीक है, जो कि लोड के सीरीज में है और हमेशा रहेगा लोड के सीरीज में, ठीक है, ये लोड, ये करंट इन करंट कॉइल है आईसीसी करंट कॉइल हो गया, ये सप्लाई, ठीक है, और ये आपका प्रेशर कॉइल हो गया, ये उसका रेसिस्टेंस, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया एज अ वॉट मीटर यूज हो रहा है यहां पे पीसी, राइट, तो एक तरीका ये है कि यहां पे आपका आईपीसी आ गया प्रेशर कॉइल, ठीक है, तो आईसीसी इंटू आईपीसी इंटू डीएम बाई डी थीटा आपका टॉर्क इक्वल होगा, और इस केस में क्या होगा पता है आईसीसी तो एज इट इज रहेगा पर आपका जो पीसी आईपीसी है वो क्या हो जाएगा वीएस बाय आरएस, है ना, आईपीसी किसके इक्वल हो जाएगा वीएस बाय आरएस, तो उस केस में आप क्या लिखोगे आईसीसी इंटू वीएस बाय आरएस विच इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज दैट इज इक्वल टू पावर, तो इस केस में आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आपका एज अ वॉट मीटर यूज होने लग जाएगा, राइट, तो ये एक तरीका है, एक टाइप केस फिगर वन ले लेता हूं उसमें टाइप वन, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे पर अभी के लिए आप फिगर बना सकते हैं टाइप वन इसका ये हो गया, नेक्स्ट फिगर मैं देख रहा हूं इसका यहीं पे बना देता हूं टाइप टू, ये करंट कॉइल फिर से लोड आ गया यहां पे और ये आपका प्रेशर कॉइल, अब मैं इस साइड से कनेक्ट किया हूं मतलब लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया हूं, तो दोनों कनेक्शन में क्या डिफरेंस है क्या क्या हमको देखना पड़ेगा आगे वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, पर ये चीज याद रहे आपको कि जब भी ऐसा कनेक्शन हमको देखने को मिलता है तो इसका मतलब आपका प्रेशर कॉइल हो गया और ये आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका किस तरीके से यूज हो रहा है आपका एज अ वॉट मीटर यूज हो रहा है आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, राइट, ठीक है, तो ये आपका करंट कॉइल हो गया, ये टाइप टू कनेक्शन हो गया, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में आपका टॉर्क डिफेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, दैट इज दिस इंप्लाइज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर हो जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां पर मैं लिख भी देता हूं, चलो टी डी इज इक्वल टू आई
सीसी इंटू आईपीसी, ठीक है। आईसीसी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है लोड में, तो जो करंट इधर फ्लो होगा वो इधर ही होगा, तो हमको लोड के करंट से इसे आईसीसी पता चल जाएगा। पर आईपीसी फाइंड आउट करना है तो आईपीसी कैसे फाइंड आउट होगा, वीएस बाय आरएस से फाइंड आउट होगा, या तो फिर लोड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरएस से होगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू वी बाय आर डीएम बाय डी थीटा, दिस इंप्लाइज पी बाय आर डीएम बाय डी थीटा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इवेंचुअली आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो गया, डीएम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका प्रोपोर्शन हो गया पावर से, और पावर मतलब कि क्या डिफ्लेक्शन आपको प्रोपोर्शन हो गया पावर से, इसका मतलब क्या डायनामोमीटर आपका यूज हो रहा है इन दोनों टाइप्स में एज अ वॉटमीटर, ठीक है, जो कि इसका मेन कंस्ट्रक्शन होगा, राइट। मतलब कि जो मेन इसका यूज एप्लीकेशन होगा ना वो हम एज अ वॉटमीटर देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसलिए मैंने ये सब बात के ऊपर डिस्कस किया। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखा, ठीक है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया भी दे दिया वर्किंग का, कि पीएमएमसी में जो ड्रॉबैक था उसको हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हटा दिए यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके कारण हमारा टॉर्क हो गया यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन को बताया, फिर उसके बाद मैंने टॉर्क डिराइव किया। तो आप मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के टॉर्क इक्वेशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये कुछ ऐसा ट्रिक अपना याद करेंगे। जैसे मैं क्या याद किया था, मूविंग आयरन, तो मूविंग आयरन में एम नहीं आएगा, मतलब ऐसे कुछ करके बना के रखा था ताकि इनको याद रहे उसका फॉर्मूला। तो उसमें dl by d theta होता है, हाफ I square dl by d theta मूविंग आयरन के केस में। तो m मूविंग m फॉर मूविंग आयरन, तो m नहीं आएगा, ठीक है। तो m नहीं आया dl by d theta में, और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में दो बार m है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें m आएगा, तो इसमें क्या होगा, I square dm by d theta। तो मतलब ऐसे ही कुछ अपना याद करने के लिए कुछ अपना ट्रिक बना के रखना कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि हाफ आएगा कि नहीं आएगा और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। खैर, अगर आपको ये पूरा वर्किंग और ये सब कॉन्सेप्ट याद होगा ना तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने एक बार कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से बता दिया है, राइट। तो यहां पे एज अ वॉटमीटर देखे, एज अ वोल्टमीटर देखे, एज अ एमीटर देखे, राइट। और हम फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के बारे में थिक और कौन सा थिन होगा वो सब भी पूरा डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। अब मैं क्या करता हूं, बोर्ड को वाइप करता हूं, फीचर्स को लिखता हूं पूरा, और उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। चलिए, तो ये हमारे सामने कुछ फीचर्स हैं जो अभी तक हमने देखा है, पर उससे पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि टॉर्क इक्वेशन क्या होगा आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का जब ये वर्क करेगा इन एसी, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने टॉर्क इक्वेशन डिराइव किया था उसमें आप हेडिंग डालेंगे फॉर डीसी सप्लाई, राइट। और अब मैं देखता हूं कि फॉर एसी सप्लाई आपका टॉर्क इक्वेशन क्या होने वाला है, राइट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं आई वन करेंट, तो फिर आई एफ आपका लिखता हूं आई वन। आई वन करेंट कौन सा है, आपका करेंट इन करंट, करंट इन करंट कॉइल या फिक्स्ड कॉइल में जो करंट है उसको I1 से डिनोट कर रहा हूं, तो वो I आपका हो गया I साइन ओमेगा t, ठीक है। और अगर IM साइन ओमेगा t, ठीक है। I2 को मैं लिख देता हूं करंट इन प्रेशर कॉइल या तो फिर मूविंग कॉइल में जो करंट है उसको I2 से डिनोट कर रहा हूं, और उसको मैं लैग करवा दे रहा हूं किससे, बाय थीटा डिग्री से, AM साइन ओमेगा t माइनस थीटा, करेक्ट। This is the current. तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट इन करंट कॉइल एंड करंट इन प्रेशर कॉइल दोनों आ गया इन केस ऑफ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के केस में कुछ इंडक्टेंस आएगा, रेसिस्टर तो था ही, तो आपका करंट दोनों जो था वो इन फेज नहीं रहेंगे, वो इन फेज नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ लैगिंग रहेगा, कुछ ना कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा दोनों करंट के बीच, राइट। तो ये एसी सप्लाई के केस में ये करंट आ गया। अब आपको पता है कि टॉर्क किसके इक्वल है, टॉर्क यहां पर लिखता हूं मैं TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू I1, I2 या फिर IFC, IM से लिख देता हूँ, IFC, फिक्स्ड IMC, DM by dθ, ठीक है, ये चीज के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे एवरेज टॉर्क निकालना होगा इस केस में, फॉर एसी सप्लाई में हमको एवरेज टॉर्क निकालना पड़ेगा ना, कि ओवरऑल सप्लाई में बोथ फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को मिला के जो एवरेज टॉर्क डेवलप होगा वो किसके इक्वल होगा। तो TD एवरेज जो निकालूंगा वो क्या होगा, 1 बाय टाइम पीरियड, फिर 0 से टाइम पीरियड, फिर TD को मैं डिफरेंशिएट क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, राइट। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 पाई, 0 से 2 पाई आपका आईएफसी, आईएमसी, डीएम बाय डी थीटा, डी ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं उसका डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं, इसका रिजल्ट आपका डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
बस आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। तो टीडी एवरेज आपको किसके इक्वल आएगा पता है, ये आएगा आईएफसी आईएमसी कॉस ऑफ थीटा डीएम बाय डी थीटा, ठीक है। ये चीज मतलब भी क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा यहां पे क्या है, पावर फैक्टर नहीं है, थीटा इज नॉट पावर फैक्टर। यहां पे लिखता हूं मैं पहले तो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, क्योंकि आपका डीसी सप्लाई के केस में दोनों फेज में थे, दोनों फेज में थे तो क्या हुआ, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो गया था, कॉस थीटा आपका किसका था, कॉस जीरो के इक्वल था तो वन आ गया था। पर जब एसी सप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट के होने के कारण कॉस थीटा आएगा दोनों करंट के बीच में, तो करंट के मैग्नीट्यूड और जो कि आरएमएस वैल्यू में रहेंगे, आईएफसी आईएमसी आरएमएस वैल्यू रहेगी, और उसके बाद उन दोनों के बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं थीटा इज फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन करेंट्स इन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल, ठीक है, दोनों करेंट्स के बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट। मतलब सपोज करो ये अगर आपका आई वन है और ये आपका आई टू है, तो ये जो दोनों लैग कर रहे हैं जिस एंगल से उसको बोल रहा हूं मैं थीटा, राइट। तो इट इज नॉट अ पावर फैक्टर, इसको आप नोट कर लेंगे, नॉट अ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर नहीं समझेंगे इसको, ये जो करंट के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा। तो ये आपका केस हुआ कब, जब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को हम एसी सप्लाई की तरह यूज कर रहे हैं, बाकी एज अ एमीटर एज अ वोल्टमीटर तो वो सही रहेगा, तब भी दोनों में सेम होगा, बस कॉस थीटा आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। डीसी सप्लाई के केस में यहां पर कॉस थीटा नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों इन फेज थे, दो लैग नहीं हुए थे, तो कॉस जीरो हो जा रहा था, मतलब कि वन हो जा रहा था, तो आईएफसी आईएमसी डीएम बाय डी थीटा लिख दिया था। पर इन केस ऑफ एसी सप्लाई जो आपका एवरेज टॉर्क डेवलप हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो आपका इक्वल टू आईएफसी आईएमसी कॉस थीटा के इक्वल है। अब यार इसी को मैं आगे क्या लिखूंगा, इसके आगे सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, टीसी इज इक्वल टू केसी थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली इक्वल टू आईएफसी आईएमसी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय केसी इनटू डीएम बाय डी थीटा। This implies आपका थीटा इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो आपका क्या हुआ, ये आपका एज अ नॉन लीनियर स्केल यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एसी सप्लाई के ऊपर देख लिया, अब मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करता हूँ। देखो फर्स्ट है वर्क्स फॉर एसी एज वेल एज डीसी, दोनों के लिए वर्क करता है, ये हमने देख लिया। मेजर्स आरएमएस वैल्यू इन केस ऑफ एसी, तो एसी के केस में ये आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मूविंग आयरन में, मूविंग आयरन में भी आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहा था, पीएमएमसी हमारा हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज डीसी मोटर, तो वर्किंग प्रिंसिपल हमको पता है कि डीसी मोटर की तरह सेम होगा, स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क की तरह, ठीक है, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज टू प्रोवाइड डैम्पिंग टॉर्क, ये भी पता है क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक है, राइट, इसलिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जा रहा है, एडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं कर रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में मेंटेनेंस की जरूरत होगी इसलिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज 5 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 6 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल हो रहा है, तो जो कि आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट विल बी देयर हियर, ठीक है, इसका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा, सो वी नीड टू प्रोवाइड शील्डिंग, यहां पे हमको शील्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट, और आपका शील्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये आपको याद है, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका कम है और जो कॉइल्स का वेट होगा वो ज्यादा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो डेवलप होगा वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा, तो ओवरऑल टॉर्क टू वेट रेशियो जो होगा वो आपका कम होगा, टॉर्क टू वेट रेशियो कम होने से सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और फ्रिक्शनल एरर बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शनल एरर इज मोर एज कंपेयर टू पीएमएमसी एंड सेंसिटिविटी इज ऑल्सो लेस इन कंपेयर टू पीएमएमसी, ठीक है, ये चीज है। सेवेंथ पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एरर होगा स्प्रिंग्स के कारण, ठीक है, स्प्रिंग्स के कारण टेम्परेचर एरर होगा, राइट, जिसको हम किससे हटाते हैं, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस के यूज से हटाते हैं, और फ्रीक्वेंसी एरर होगा क्योंकि एसी में यूज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी एरर तो होता है, ठीक है, जो हम मूविंग आयरन में भी थोड़ा सा देखे थे। अब देखो एक और कुछ पॉइंट्स लिखता हूं इसके ऊपर में, एट्थ पॉइंट हो गया था, नाइन्थ और टेंथ पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है। तो आप एसी सप्लाई का ये टॉर्क इक्वेशन लिख लेंगे, ये देखो आपका नाइन्थ पॉइंट क्या होगा, स्केल इज नॉन लीनियर और नॉन यूनिफॉर्म, तो यहां पे जो स्केल यूज हो रहा है वो नॉन लीनियर है या फिर नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो,
ठीक है। और 10th पॉइंट क्या है, यहां पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि हिस्टेरेसिस एरर जो है इज एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है भाई, क्योंकि यहां पे कोर ही नहीं है, आपका आयरन का कोर ही नहीं है, तो आपका हिस्टेरेसिस एरर यहां पे एब्सेंट है, ठीक है। ये चीज हो गया। और 11th पॉइंट आप देख सकते हो, जनरली यूज्ड एज वाट मीटर, तो ये आपका कुछ फीचर्स हो गया जो आपको डायरेक्टली एकदम एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल इसमें डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, इन केस ऑफ ये फीचर्स आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये चीज था, इसको भी मैं लिख दूं क्या यहां पे, चलो आपके ऊपर आपके लिए लिख देता हूं कि यहां पे टी सी इज इक्वल टू के सी थीटा एट स्टेडी स्टेट, टी सी इज इक्वल टू टी डी, दिस इंप्लाइज के सी थीटा इज इक्वल टू आई एफ सी आई एम सी cos theta dm by dt, ठीक है। तो this implies theta is equal to ifc imc dm cos theta dm by d theta upon kc, राइट। तो ये चीज आपका डिफ्लेक्शन का भी आ गया। तो एसी सप्लाई के केस में आपको याद रहे कि आप हमेशा उन दोनों करंट्स के बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट को हमेशा कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहां पे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको कवर किया है, राइट। तो आपको वो टॉर्क इक्वेशन समझ में आ गया, तो टॉर्क इक्वेशन के बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए best books और test series का link मैंने description में दे दिया है। और अगर आप हमारा Telegram channel join करना चाहते हैं तो उसका link भी मैंने description में और first comment में दे दिया है। तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए have a good day. See ya.